सी प्रैक्टिकल यूज ऑफ कीबोर्ड कीज। आज हम क्या देखेंगे, कीबोर्ड की जो कीज होती है उसका यूज हम प्रैक्टिकल करते समय कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। ओके, सी दिस इज योर ऑनलाइन कीबोर्ड। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ऑनलाइन कीबोर्ड, बट वो कैसे ओपन करना है किसी को पता है? नहीं पता है? यस ओके। तो फर्स्ट आपको ये यहाँ पे बटन दिख रहा है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके देखो, देखो लास्ट में टॉप साइड नीचे के साइड में आपको एक बटन दिख रहा है, सी दिख रहा है सबको, राउंड बटन। दिस इज योर स्टार्ट बटन, दिस इज योर स्टार्ट बटन। देन क्लिक ऑन योर स्टार्ट बटन, देन क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम्स? ALLPROGRAMS, ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है एसेसरीज। देन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एसेसरीज? ACCESSORIES, एसेसरीज। ओके, एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ये एक फोल्डर दिख रहा है एस ऑफ एक्सेस। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करो। ओके, आपको ये फोल्डर दिखेगा, एसेसरीज में एक फोल्डर दिखेगा एस ऑफ एक्सेस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओके, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे ही आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो सी आपको यहाँ पे दिख रहा है कीबोर्ड आ गया। सी दिस इज योर ऑनलाइन कीबोर्ड, दिस इज योर ऑनलाइन कीबोर्ड। ओके, तो ये जो दिस कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की कीज हम कैसे यूज करेंगे आज हम वो देखेंगे। ओके, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड कैसे दिखता है? टाइपराइटर के जैसे और पियानो के जैसे। कीबोर्ड हैज मेनी बटन। सी आपको मैं माउस पॉइंटर मूव कर रही हूँ, दिख रहा है एरो, तो ये जो बटन से कीबोर्ड में जो बटन से उसे हम क्या बोलते हैं? कीज। उसे हम बोलते हैं कीज। ये जो ब्लैक कलर में दिख रही इसे हम बोलेंगे कीज। कीबोर्ड हैज 104 कीज। ये जो बटन दिख रहे आपको, ये कीज दिख रही है 1 2, आप काउंट करोगे तो ये कितने हो गए? 104। कितने हो गए? 104। कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग। कीबोर्ड हम क्यों यूज करते हैं? टाइपिंग करने के लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि टाइपिंग कैसे करते हैं। सी सबको यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहा है। ओके, नाउ आई एम टाइपिंग द स्कूल नेम। सी मैंने क्या किया, पहले एस को टाइप किया, देन टी को टाइप किया। ओके, एस टी डॉट सेंड, उसके बाद स्कूल का नाम एंथोनी। सी ओके, तो इस तरीके से आप अल्फाबेट के कीज जो होती है, मीन्स ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उसे आप टाइप कर सकते हैं। देन कॉन्वेंट हायर। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ कीज को प्रेस कर रही हूँ। हियर सेकेंडरी सेकेंडरी एंड देन स्कूल। सी मैंने क्या किया, अल्फाबेट का यूज करके मैंने क्या किया, स्कूल का नाम टाइप किया। उसके बाद देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे नंबर टाइप करने हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टाइप द नंबर, देन सिंपली प्रेस द नंबर की। सी 1 2, मैंने क्या किया, सिंपली प्रेस किया, नंबर्स को प्रेस किया। सी दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, ये हुआ आपके नंबर की। ओके, अभी आप बोलोगे सी नाउ आई एम अगेन डिलीटेड। आपको एक ब्लिंकिंग लाइन दिख रही है, ब्लिंकिंग लाइन दिख रही है, उसे हम बोलेंगे कर्सर, उसे हम बोलेंगे
cursor. Okay, and now I'm typing the name of school. स्कूल ओके ये मैंने टाइप किया. अभी उसके आगे मुझे क्या करना है, नंबर प्रेस करने टाइप करने. मैंने सिंपली नंबर टाइप किया. ओके तो ये हुए आपके अल्फाबेट की एंड नंबर कीज. ओके अल्फाबेट कीज क्यों यूज करते हैं, अल्फाबेट कीज इज यूज फॉर टाइपिंग द लेटर ए टू जेड. ए टू जेड लेटर टाइप करने के लिए हम अल्फाबेट की यूज करते हैं. ओके देन नेक्स्ट इज अ नंबर की. नंबर की इज यूज फॉर type the number from 0 to 9. 0 to 9 number press करने के लिए हम numbers की use करते थे. Okay? Then next is a function key. Keyboard का जो topmost key होता है उसे हम क्या बोलते हैं, function keys. उसे हम क्या बोलते हैं, function keys. Function keys is used for different functions in different program. Okay? Different function in different program. Okay? See, अभी आपने F1 प्रेस किया. जैसे आप F1 प्रेस करते हो तो आपको क्या होता है, हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. सी जस्ट अ सेकेंड. ओके F1 अभी आ नहीं रहा है. वो F1 आप प्रेस करते हो तो आपको हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. ओके हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. F2 प्रेस करोगे तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू आपकी राइट टाइप होके आएगी. देन F3 प्रेस किया तो आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. दिस इज योर फंक्शन कीज. और फंक्शन कीज कितने होते हैं, F1 to F12. Function key starts from F1 to F12. This is your function key. Okay. This is your function keys. Then next is your special keys. See, मैंने last time ही बोला था special keys. तो कौन से होते हैं special keys? Space bar, caps lock key, shift key, enter key. Then backspace की, delete की, okay ये क्या है आपकी special keys. okay see अभी मुझे अभी ये cursor है यहाँ पे, ये cursor को अगर मुझे next line पे यहाँ पे लेके जाना है, इस cursor को, ये जो last में four के बाद में जो cursor है वो cursor को अगर मुझे next line पे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे enter की दिख रहा है, एक arrow दिख रहा है. एरो दिख रहा है उसे हम बोलेंगे एंटर की. उसे हम क्या बोलेंगे, एंटर की. जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव होता है. कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव होता है. देन अगेन टाइपिंग द लेटर्स. ओके नाउ आई एम टाइपिंग एनी वन नेम. नाउ आई एम टाइपिंग मीना. ओके मीना पाटिल. मैंने ये नेम टाइप किया. ओके अभी मुझे ये जो नेम मैंने टाइप किया मीना पाटिल, मीना मुझे मीना और पाटिल एक ही वर्ड हुआ. अभी मुझे अलग करना है इन दोनों के, ये दोनों वर्ड के बीच में मुझे स्पेस देनी है. इन दोनों वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेस देनी है. नाउ आई एम यूजिंग दी स्पेस बार. सी दिस इज योर स्पेस बार. स्पेस बार इज अ longest key on the keyboard. This is the longest key on the keyboard. Space bar क्या है, keyboard के सबसे longest key है. Okay? अगर आपने space bar को click किया तो क्या होगा, दो word और दो letter के बीच में space मिलेगी आपको. Okay? Space bar is used for give the space between two words or two letters. Okay, two or दो letters के बीच में अगर space देना है तो हम क्या use करेंगे, space bar. हम क्या use करेंगे, space bar. Then next is your next special key is your delete. See आपको यहाँ पे online keyboard भी दिख रहा है,
DEL. DEL means your delete key. DEL means your delete key. Okay. Yes. Next key is your delete key. DEL means delete key. See, अभी ये कर्सर यहाँ पे है. कर्सर के राइट साइड के राइट साइड का लेटर अगर मुझे डिलीट करना है, मींस ये जो आई एंड एल के बीच में कर्सर है और कर्सर के राइट साइड का लेटर अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, डिलीट की. सी मैंने अभी डिलीट की प्रेस किया तो क्या होगा, एल डिलीट होगा. सी सबको दिखाई दिया, एल डिलीट हुआ मींस क्या, कर्सर के राइट साइड का लेटर डिलीट करने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं. डिलीट की यूज क्यों करते हैं, कर्सर के राइट साइड का लेटर्स को इरेज करने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज योर बैकस्पेस की. सी यहाँ पे लिखा है बी के एस बी मींस योर बैकस्पेस की. इसका फुल फॉर्म क्या है, बैकस्पेस की. कर्सर के लेफ्ट साइड का लेटर आपको इरेज करना है तो वी कैन यूज द बैकस्पेस की. ओके, सी नाउ आई एम प्रेस द बैकस्पेस की. सी आप यहाँ पे देखो कर्सर के, मैंने जैसे ही बैकस्पेस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आई कर्सर के बाजू में जो लेटर था आई वो क्या हुआ, डिलीट हुआ. वो डिलीट हुआ मींस इरेज हुआ. ये सबको समझ में आया, कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर लेटर हमें डिलीट करना है और इरेज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बैकस्पेस की. ओके, सबको समझ में आया डिलीट एंड बैकस्पेस का डिफरेंस. कर्सर के राइट साइड का लेटर अगर इरेज करना है तो वी कैन यूज दी डिलीट की, एंड कर्सर के लेफ्ट साइड का लेटर अगर टाइप लेफ्ट साइड का लेटर अगर इरेज करना है तो वी कैन यूज दी बैकस्पेस की. ओके, देन नेक्स्ट इज योर कैप्स लॉक की. सी सबको दिख रहा है यहाँ पे स्पेलिंग, सी ए पी एस कैप्स लॉक. कैप्स लॉक दिस इज योर कैप्स लॉक की. दिस इज योर कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज अ स्विच. कैप्स लॉक की इज अ स्विच. सबको स्विच पता है, आप फैन, सबके घर में फैन है, फैन को ऑन ऑफ करते मीन फैन का बटन कैसा है, एक स्विच होता है, उसे ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हो बटन को. वैसे ये जो कैप्स लॉक की है इसे भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं. ओके, अगर आपने कैप्स लॉक की को ऑन किया, अगर आपने कैप्स लॉक की को ऑन किया, सी सबको दिख रहा है यहाँ पे कीबोर्ड में सब लेटर कैसे हो गए, सब लेटर्स कैपिटल हो गए. मींस आप जब भी टाइप करोगे, सी आप जब भी टाइप करोगे तो वो लेटर कैसे टाइप हो गए, कैपिटल में टाइप होगी. सी सबको दिखाई दिया कैप्स लॉक की ऑन है तो सब लेटर्स कैसे टाइप हुए, कैपिटल में टाइप हुए. ओके, एंड अगर मैंने कैप्स लॉक की को ऑफ किया, कैप्स लॉक की को मैंने बंद किया, सी कैप्स लॉक की को मैंने बंद किया तो सब लेटर यहाँ पे कीबोर्ड पे कैसे आ गए, सब लेटर स्मॉल आ गए. सब दिख रहे हैं, सब लेटर स्मॉल आ गए. तो मींस अगर आपकी कैप्स लॉक की बंद है मींस ऑफ है तो आप जो भी लेटर टाइप करोगे वो कैसे आएंगे, वो सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे. सी फर्स्ट ये जो आया कैपिटल में मींस योर कैप्स लॉक की इज ऑन, एंड नेक्स्ट हमने ये जो लिखा मींस योर कैप्स लॉक की इज ऑफ. दिस इज योर कैप्स लॉक की. देन नेक्स्ट इज योर टैब की. सी सबको स्पेलिंग दिख रहा है TAB, टैब की. इसे हम क्या बोलेंगे, टैब की. टैब की हम क्यों यूज करेंगे, मोर स्पेस देने के लिए हम टैब की यूज करते हैं. ओके, अभी सी हम दो लेटर, अगर हमें दो लेटर के बीच में स्पेस देना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्पेस बार की. अगर मैंने स्पेस बार की प्रेस किया तो आपको एक लेटर की स्पेस मिलती है, मीन्स दो एक लेटर की स्पेस दिखाई देती है दोनों वर्ड्स के बीच में. सी दिखाई दी यहाँ पे इतना स्पेस रहता है, बट अगर आपने टैब की यूज की, टैब की यूज की तो क्या होता है, एक से अधिक लेटर की स्पेस आपको मिलती है, छोड़ी हुई मिलती है. वन से वन, एक से अधिक
एक से ज्यादा लेटर्स की स्पेस आपको मिलती है. ओके, इसे हम तो हम किसकी हेल्प से मिलती है, टैप की. ओके, दिस इज योर टैप की. देन नेक्स्ट इज योर शिफ्ट की. नेक्स्ट इज योर शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज फॉर टाइपिंग द स्पेशल सिंबल्स. शिफ्ट की हम यूज करती है थी? आपको नंबर्स की के ऊपर दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एट दी रेट, ये सिंबल दिख रहे हैं सबको. सी, आपकी मोबाइल की स्क्रीन जूम करो और देखो, वन के ऊपर आपको एक सिंबल दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, टू के ऊपर एट दी रेट. दिस इज योर स्पेशल सिंबल. अगर आपको ये स्पेशल सिंबल को टाइप करना है तो वी कैन यूज दी शिफ्ट की. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट की को प्रेस करना होगा और फिर आपको जो भी सिंबल चाहिए उसे प्रेस करो. नाउ आई एम टाइपिंग डॉलर साइन. सी, मैंने पहले शिफ्ट की को प्रेस करके रखा है एंड फिर फोर 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 जो नंबर की से उसे मैंने प्रेस किया, तो क्या हुआ, डॉलर का साइन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ. सी, सबको समझ में आया. फर्स्ट क्या करना है, हमें शिफ्ट की को प्रेस करना है और फिर नंबर की को प्रेस करना है. जैसे ही हम नंबर की को प्रेस करते हैं तो नंबर के आगे जो भी सिंबल है वो वहां पे टाइप हो गया आएगा. ओके, दिस इज योर शिफ्ट की. एंड देन इट इज आल्सो यूज द सिंगल लेटर. अगर सिंगल लेटर को आपको कैपिटल करना है, कैपिटल में टाइप करना है, तो उसके लिए भी हम शिफ्ट के यूज करते हो. सी, शिफ्ट की प्रेस करके हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं. शिफ्ट की यूज करके सिंगल लेटर्स को हम कैपिटल में टाइप कर सकते हो. दिस इज योर शिफ्ट की. ओके, देन नेक्स्ट इज योर एरो की. नेक्स्ट इज योर एरो की. एरो की, एरो की इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेविगेशन की. ओके, एरो कीज को हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलते हैं. ओके, सी, दिस इज योर एरो की. आपको ये फोर एरो दिख रहे हैं, दिस इज योर एरो की. दिस इज योर अप एरो की, देन डाउन एरो की, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की. ओके, सी, नाउ आई एम प्रेसिंग दी अप एरो. मैंने अभी अप एरो की प्रेस किया तो क्या कर्सर अभी कहाँ पे है, सेकेंड लाइन के एंड में कर्सर दिख रहा है यहाँ पे. अगर मैंने अभी अप एरो की प्रेस किया तो क्या हुआ, कर्सर ऊपर जला, फर्स्ट लाइन में जला जाएगा. सी, ऊपर के साइड में गया. दिस इज द यूज ऑफ अप एरो की. एरो कीज इज यूज फॉर मूविंग द कर्सर अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. कर्सर को ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट में लेके जाने के लिए हम एरो की यूज करते. ओके, देन डाउन एरो की. सी, अभी स्कूल एच के आगे है कर्सर, अभी मैंने डाउन एरो की प्रेस किया तो क्या होगा, कर्सर एच के नीचे जो भी लेटर है उसके यहाँ पे कर्सर आ जाएगा. ओके, दिस इज योर डाउन एरो की. देन नेक्स्ट इज योर राइट एरो की. सी, एच के आगे है कर्सर, मैंने अगर राइट एरो की प्रेस किया तो ओके आगे कर्सर मूव हो जाएगा. ओके, वैसे अगर लेफ्ट एरो को क्लिक किया तो ओके पहले जो भी लेटर है वहां पे कर्सर आपका आ जाएगा. दिस इज योर एरो की. इसे हम क्या बोलेंगे, एरो की और नेविगेशन की. सी, देन नेक्स्ट इज योर होम की. सी, नेक्स्ट इज योर होम की. कर्सर को फर्स्ट लेटर के यहाँ पे लाने के लिए, फर्स्ट लेटर पे लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम की. सी, अभी लेटर का है एच के आगे है कर्सर, जैसे ही मैंने होम की को प्रेस किया तो कर्सर कहाँ पे चला गया, स्टार्टिंग लेटर पे चला गया. सी, सबको दिख रहा है, जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो कर्सर स्टार्टिंग लेटर पे चला जाए. दिस इज योर होम की. देन नेक्स्ट इज योर एंड की. एंड की का भी वैसे ही है, अगर एंड पे हमने क्लिक किया तो कर्सर लास्ट वर्ड में आ जाएगा, कर्सर लास्ट लेटर भी आ जाएगा. ओके, दिस इज योर एंड की.
देन नेक्स्ट इज योर इंसर्ट की. अभी कर्सर मैंने यहाँ पे रखा जी पे, जी के आके मैंने कर्सर लिखा और इंसर्ट इंसर्ट पे क्लिक किया, तो क्या होगा, हम उस स्पेस पे लेटर्स को इंसर्ट कर सकते हो. सी नाउ आई एम टाइपिंग एनीवन ए ए, सी उस कर्सर पे हमने लेटर्स को इंसर्ट किया. देन नेक्स्ट इज योर प्रिंट स्क्रीन, सी पी आर टी एस सी आर, दिस इज योर प्रिंट स्क्रीन. प्रिंट स्क्रीन इज यूज फॉर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. ये जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन बटन यूज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज योर पेज अप एंड पेज डाउन. ओके, पेज अप एंड पेज डाउन, ये बटन हम क्यों यूज करेंगे, पेज को ऊपर और नीचे लेके जाने के लिए हम पेज अप एंड पेज डाउन बटन हम यूज करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज योर सी, आपको यहाँ पे भी फोर स्क्वायर दिख रहे हैं, ये फोर स्क्वायर दिख रहे हैं, दिस इज योर स्टार्ट बटन. सी ये फोर स्क्वायर दिख रहे हैं, दिस इज योर स्टार्ट बटन. यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो जो विंडो आती है वो वहां पे ओपन हो जाएगी. सी दिखाई दी, दिस इज योर स्टार्ट बटन, इसे हम बोलेंगे स्टार्ट बटन. ओके टीचर. ओके, विच की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड की सबसे बड़ी वाली की कौन सी है, स्पेशल कीज, बड़ी वाली की, सबसे बड़ी वाली, ये देखो मैंने दिखाई आप पी को, सबसे बड़ी वाली की, इस की को हम क्या बोलते हैं, स्पेस की, स्पेस बार की, वेरी गुड बेटा, म्यूट योर सेल्फ, स्पेस बार की. ओके, देन नेक्स्ट इज अ तविशा, अनम्यूट योर सेल्फ तविशा, यस तविशा, टीचर व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की, स्पेस बार की हम क्यों यूज करते हैं, स्पेस देने के लिए, यस स्पेस देने के लिए. व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की, एंटर की हम क्यों यूज करते हैं, जोर से बोलो, नो यूज करते हैं एंटर की, ले जाने के लिए एंटर की यूज करते हैं. हाँ.